स पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग होप्सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so, कल हम क्या पढ़ रहे थे ऑनलाइन वाले बच्चे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रयांशु अब्बास कन्नू विकास मनोज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ज्ञानेन्द्र नितिन अभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यहां पे प्रतिशा चेताली हर्षित माही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यस पीपल तो हमने कल क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे तो कल जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे तो कल हमने सेक्शन 87 ए में एक रिबेट पढ़ा था रिबेट फ्रॉम टैक्स और ये रिबेट जो होता है 87 ए का ये किसको मिलता है तो ये हर किसी को नहीं मिलता ये मिलता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को जिसका टोटल इनकम अप टू फाइव लाख रुपीज है उसको मिलता है और यहां पे रिबेट कितना मिलता है तो आपको रिबेट मिलेगा जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है और ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो जितना भी आपका टैक्स का अमाउंट है और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवर का आपको रिबेट मिलेगा सर क्वेश्चन ये आता है कि ये रिबेट हमको कब लेने का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करने के बाद या उससे पहले राइट आंसर इज पहले तो जो भी टैक्स आता है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करने से पहले वाला जो टैक्स रहेगा उसमें से आपको ये रिबेट लेने का है अब एक और चीज समझना यहां पे हमने देखा था दो एग्जांपल लिए थे अब एक और चीज समझना ये रिबेट क्या किसी भी टाइप की इनकम के सामने मिलता है आंसर इज यस कोई कोई भी इनकम हो फर्क नहीं पड़ता सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है अब आप बोलोगे ये क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे शेयर से रिलेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इस इसपे ये रिबेट नहीं मिलता बाकी कोई भी इनकम है आपको यह रिबेट मिल जाएगा उसके बाद हमने चालू किया था एग्रीकल्चर इनकम करके कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम में कौन सी इनकम जो है वो पंकज आती है तो एग्रीकल्चर इनकम में चार तरह की इनकम इनकम को एग्रीकल्चर बोला जाता है है एक होता सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया और उसको सेल कर दिया दूसरा अगर रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर लैंड है वो आपने किसी को भाड़े पे दे दिया उसका रेंट आया वो तीसरा था फार्म हाउस का रेंट और चौथा था नर्सरी का इनकम तो ये चार तरह की इनकम ऐसी है जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है लेकिन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया पोटेटो ग्रो किया सुगर कैन ग्रो किया और आपने रॉ फॉर्म में बेच दिया तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है दूसरी चीज अगर आपने कोई प्रोसेस करके बेचा प्रोसेस दो तरह की हो सकती है एक प्रोसेस ऐसी जो कंपलसरी है तो अगर कंपल्सरी प्रोसेस है तो आपकी पूरी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन अगर ऑप्शनल प्रोसेस है तो उसमें कुछ एग्रीकल्चर होगी और कुछ बिजनेस होगी अब एक बात समझना कितनी एग्रीकल्चर होगी कितनी बिजनेस होगी तो आप एक काम करिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए और माइनस जो कल्टीवेशन का खर्चा है वो लेस कर दीजिए आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर का इनकम और बिजनेस की इनकम के लिए जो आपने फाइनल बेचा, जो आपने चिप्स बेची, वो चिप्स का सेल प्राइस ले लीजिए फर्दर प्रोसेस ली तो इनकम मिल जाएगा अब एक बात समझना ये तो यहां पे नॉर्मली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनके केस में ऐसे बाइफर होता है लेकिन कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे होते जिनके केस में स्टैंडर्ड रूल दे रखे हैं।

लेकिन अगर ग्रोन क्योर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड करके बेचता है तो फोर्टी परसेंट बिजनेस एग्रीकल्चर और अगर के बिजनेस में है तो बेटा बिजनेस एंड 65% परसेंट एग्रीकल्चर अगर आपको ये परसेंटेज याद हो जाते हैं लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि इसमें से कौन सा पर, परसेंटेज किसका था तो आप ऐसे याद रखोगे हमेशा ज्यादा वाला परसेंटेज किसका है एग्रीकल्चर बिकॉज़ इंडिया में मेजर पॉपुलेशन है वो क्या करती है एग्रीकल्चर सो ज्यादा वाला परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर का है और कम वाला परसेंटेज किस, किसका है बिजनेस का अब मुझे एक बात बताओ, की जो होती है, उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता आप मुझे बताओ एग्रीकल्चर की इनकम जो होती है आपको एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता ऑनलाइन वाले बताओ मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है उस पे टैक्स लगता है यानी फैजान भाई आ गए फैजान भाई आ गए हाँ मेरे को एक बात बताओ एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स लगता है यानी कल क्या पड़ा था क्या एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती है एक्जेंट होती है कौन सी सेक्शन में सेक्शन टेन वन सेक्शन टेन वन ही लिखा था सो टेन वन में एग्रीकल्चर की इनकम एक्सेंट होती है तो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स नहीं लगता बंदा पानी भी ना पिए ठीक है क्या हुआ अरे ये बच्चे आए क्या लेट लेट वाले नहीं लगता हर्ष भाई हर्ष भाई बोलता है नहीं लगता एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स फ्री है सेक्शन टेन वन में तो देखो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स तो नहीं लगता लेकिन गवर्नमेंट है ना बड़ी चालाक है बोलते हैं चालाक ब्रो चालाक ब्रो एक वो होता है ना आजकल क्या बोलते हैं ब्रो चालाक ब्रो तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चालाक है क्या है चालाक तो एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स तो नहीं लगता वो तो एग्जेम है लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा चिटिंग करके थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले लेगी और वो कैसे लेगी क्या लेगी वो अपन पढ़ेंगे करके ठीक है चाहिए तो एक काम करते हैं पहले अपन कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं और फिर अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हेडिंग दीजिए पार्शियल इंटीग्रेशन हेडिंग दीजिए पार्शियल इंटीग्रेशन आई एन टी ई जी आर ए टी आईओ एन पार्शियल इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था ना कहा पढ़ा था मैथ्स में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ऑनलाइन वालों बच्चों इंटीग्रेट करना मर्ज करना सो पार्शियल इंटीग्रेशन करके ठीक है तो आपने हेडिंग दे दिया पार्शियल इंटीग्रेशन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऐसा लिखो पार्शियल इंटीग्रेशन आप लिखिए पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये आपका हेडिंग हो गया अब उसमें लिखिए एग्रीकल्चर इनकम नेक्स्ट लाइन में लिखिए एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्ड फ्रॉम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्ट फ्रॉम टैक्स Agriculture income is exempt from tax, but for computation of tax, but for computation of tax, for computation of tax, for computation of tax, it shall be considered, it shall be considered. फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिसफाइड बट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इट शैल बी कंसिडर्ड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड पहली कंडीशन लिखो पहली कंडीशन लिखो एस एससी शुड बी इंडिविजुअल स्लैश एच AOP स्लैश आर्टिफिशियल Juridical पर्सन मीन कुल मिला के है वो वाले शुड बी इंडिविजुअल आर्टिफिशियल Juridical पर्सन दूसरा कंडीशन लिखो नेट एग्रीकल्चर इनकम नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन रुपीज फाइव थाउजेंड नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन रुपीज फाइव थाउजेंड एंड तीसरी कंडीशन लिखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जैम्शन ग्रीकल्चर इनकम मोर देन बेसिक exemption. तो तीन कंडीशन क्या क्या है पहली कंडीशन समझाऊंगा बाद में आप एक बार लिख लेते हैं. Should be individual, artificial, person. Net agriculture इनकम है वो आपका पांच हजार से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपका बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है तो इसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एक लाइन छोड़ के लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में आप लिखिए पहले पर्टिकुलर और यहां अमाउंट कैसे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे पहले लिखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम ये जो भी टैक्स आएगा इसमें से माइनस कर दो लेस टैक्स ऑन बेसिक एग्जेंशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम इसको माइनस कर दो जो बचेगा इट इज कॉल योर नेट टैक्स पेबल बस तो देखो मैंने क्या लिखा टैक्स ऑन मैंने लिखा है टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम उसमें से माइनस किया है बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल के माइनस कर दिया दैट इज पेबल। चलो समझेंगे इसके बारे में और इसके बारे में समझने के लिए अपन एक काम करेंगे एक हेल्प लेंगे एक एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल के फॉर्म में ही उसको अपन सॉल्व करेंगे और उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए तो आपके पास अगर बुक है तो ठीक है और बुक नहीं है तो भी एक बार के लिए ठीक है आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे एक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर पंकज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या दे रखा है आपकी बुक में अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिए नहीं है बुक अभी तक हो सकता है ऑनलाइन वालों को अभी तक नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं पेज नंबर आपकी बुक में चार रहेगा शायद चार एक क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है समझने की कोशिश करना हमारी गवर्नमेंट कितनी चालाक है उस चालाकी को मैं आपको यहां दर्शाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में देखो मिस्टर एक्स 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 मतलब एक्स करके ठीक है तुम्हारा एक्स या तुम्हारी एक्स नहीं है होगा भी नहीं तो एक बात बताओ मिस्टर एक्स रेजिडेंट द प्रीवियस ईयर इस साल की इनकम दे रखी है सबसे पहले दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी की इनकम फोर लैख एटी थाउजेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके दे रखा है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर जयपुर की एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई फोर एटी और एक्सपेंसिज इंकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम इज वन सेवेंटी तो मुझे नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी बताओ ना थ्री लैख यह तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम हुई हाँ भाई आपसे पूछा है बड़ा सिंपल सा ये कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव

उसके हिसाब से मुझे बताओ ये सैलरी की इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी और एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम होगी तो एग्रीकल्चर की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो एक बात बताओ इस तीन दस को हटा दो बाकी आपकी बाकी इनकम कितनी है फोर एटी एंड टू फिफ्टी कितनी है एट लैख सेवन लैख सेवन लैख कैलकुलेटर यूज कर लेने का ठीक है तो मुझे बताओ आपको अगर मैं ये बोलू कि agriculture income पे तो तो लगता ही नहीं 730 जो है, है, जो निकालो, तो आप निकाल के बताओ कितना आएगा टैक्स सेवन थर्टी पे स्लैब रेट से ऐसे ही टैक्स निकालो कैलकुलेटर पर कितना आता है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हुई सेवन थर्टी तो सेवन थर्टी पे टैक्स कितना आता है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कर लो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कर लो अरे वो टीवी क्यों ब्लिंक हो रहा है बार बार हाँ भाई कितना है सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड इतना टैक्स आ रहा है उत्कर्ष फैजान सबने निकाला सिक्सटी आपकी एग्रीकल्चर इनकम को आप एग्जेप करते हो और होती है एग्रीकल्चर इनकम अब देखो आपने जो टैक्स साठ हजार आठ सौ चालीस आप याद रखना सिर्फ क्या रखोगे याद अपने पास याद रखना ठीक है क्या रखोगे याद और देखते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम पे अब टैक्स लगता है या नहीं वो तो एग्जेप होती है तो देखो अब अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं आप कुछ भी लिखना मत कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं लिखना पहले इस एस का नाम क्या है मिस्टर तो मैं अच्छे से लिखूंगा डोंट वरी बहुत अच्छी राइटिंग में प्रीवियस ईयर ईयर चौबीस पच्चीस। हम पहले इसकी टोटल इनकम निकालते चलो ये तो तुम भी साथ साथ में कर दो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टोटल इनकम का मतलब होता है पांचों हेड की इनकम पांचों हेड की टोटल इनकम तो पांचवा हेड की टोटल इनकम अगर अपन निकालने जाते हैं तो मैं बताऊं इसमें आपकी जो इनकम है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दे रखा है फोर लैख एटी थाउजेंड दूसरा आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी है वो आपको टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दे रखा है और एक बात बताऊं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्ट होती है बट ये अदर सोर्सेस में आती है क्योंकि एग्रीकल्चर ना तो आपका सैलरी है ना हाउस प्रॉपर्टी है ना ये कोई बिजनेस है ना ये कोई कैपिटल गेन है तो ये अदर सोर्सेज में आती है लेकिन अदर सोर्सेस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्ट हो जाती है तो मैं यहां पे लेता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अदर सोर्सेज में मैंने यहां पे बताई एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम नेट नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है तीन लाख तीन लाख दस हजार और ये तीन लाख दस हजार यहीं पे एग्जेम्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन टेन वन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता तो पूरा तीन लाख दस हजार है इनकम मतलब है, है एग्जेपन एग्जेपन तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी थ्री लैख टेन थाउजेंड थी और ये एग्जेप्ट हो गई इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा इसी टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम जब आप पांचों हेड की टोटल करते हो तो इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम या शॉर्ट में इसको बोल सकते हो जीटीआई। तो जीटीआई आपका कितना आया सेवन लैख सेवन लैख थर्टी थाउजेंड अब इसमें से अगर कोई डिडक्शन है तो वो आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए करके ऐसा लिखते हैं अब ये क्यों लिखते हैं क्या लिखते हैं आगे आएगा तो यही आपकी हो गई नेट टैक्सेबल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम इज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड नेट टैक्सेबल इनकम इज सेवन लैख थर्टी थाउजेंड इतना लिखने के बाद रुक जाओ इतना लिखने के बाद आप रुक जाओ एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में जाती है क्योंकि ये बिजनेस नहीं है इट्स नॉट अ बिजनेस ना चलो हा दिस इज बिजनेस दिस इज बिजनेस दूसरा होता है ये बिजनेस नहीं है चलो अब आप रुक जाओ हा डिडक्शन अंडर चैप्टर डिडक्शन ऐसा लिखते हैं डिडक्शन यूसलेस सी अंडर चैप्टर सिक्स ए ये डिडक्शन कुछ होते हैं ए टी सी ए टी डी वगैरह वो सब अंडर चैप्टर सिक्स ए डन अभी आप रुक जाओ अगर आपको बोला जाए कि 730 थर्टी पे ही टैक्स निकालना है स्लैब रेट से तो आप कितना टैक्स निकालोगे अभी तो निकाला था आपने कितना आया था सिक्सटी थाउजेंड एट फोर्टी बट हमारी गवर्नमेंट है ना वो बड़ी चालाक है चालाक ब्रो तो गवर्नमेंट बोलती है कि एग्रीकल्चर इनकम हम एग्जेम्ट करते हैं चलो हम एग्जेम्ट कर देते हैं लेकिन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई अब आप पेन pen, पेंसिल छोड़ दो तीन कंडीशन है वो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को एक बार टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर करना पड़ेगा बोला कौन कौन सी कंडीशन पहले तो ये बता दो पहली कंडीशन कि असेसी इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मीन जिसपे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है वो असेसी होना चाहिए तो पहली कंडीशन तो असेसी इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब जिसपे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है वो असेसी होना चाहिए दूसरी कंडीशन आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेमशन से ज्यादा होनी चाहिए तो पहली चीज क्या हमारे क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं सबसे पहला क्या एसएससी इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है या नहीं है क्योंकि यहां पे एस कौन है इंडिविजुअल दूसरी चीज क्या नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा है या नहीं है क्योंकि नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है तीन लाख दस हजार तीसरी कंडीशन तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है या नहीं है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा और पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होगा पता है पहले आप टैक्स निकालोगे किस पे टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम पे मींस आप लीजिए पहले टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम कितनी है सात तीस और नेट एग्रीकल्चर इनकम जो तीन दस है उसको ऐड करके उस पर टैक्स निकाल दीजिए आप बोलोगे सर ये तो आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपने डे वन पे तो ये बोला था एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं वो तो एग्जेम होती है और यहां पे आप क्या करा रहे हो टोटल इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स निकलवा रहे हो उस पर टैक्स निकलवा रहे हो मिस टोटल इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को एड करके टैक्स निकलवा रहे हो सर ये तो गड़बड़ हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रुकती है बोलती है रुको अगली लाइन में बोलते हैं कि जो तुम्हारी बेसिक एग्जामेशन होती है ना बेसिक एग्जामिशन जैसे नॉर्मल पर्सन के केस में ढाई लाख सीनियर सिटीजन के केस में तीन लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में पांच लाख इस बेसिक एग्जामेशन में नेट एग्रीकल्चर इनकम को वापस एड करके उस पर जो टैक्स आ रहा है वो लेस कर दो तो बोला हमने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स तो लिया ही नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए फैजान भाई तीन कंडीशन कौन कौन सी तीन कंडीशन पहला असएससी इंडिविजुअल एच ए आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन होना चाहिए नेट एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा होनी चाहिए

इन डायरेक्टली गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स ले लेगी कैसे लेगी वो मैं बताता हूं आप कुछ मत लिखिए आप सिर्फ इधर देखते जाइए कुछ मत लिखिए मैं यहां पे बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखूंगा अच्छी राइटिंग में लिखूंगा जिससे कि आप बाद में कॉपी कर सकते हैं आप पहले इधर देखिए अब हम इस पर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करने जा रहे हैं तो मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी तो टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम आपको क्या करना है सबसे पहले आप पॉइंट ए में टैक्स निकालो टैक्स ऑन टोटल इनकम जो आपकी है उस एग्रीकल्चर इनकम तो देखो आपकी टोटल इनकम कितनी है बोलो सेवन लैख थर्टी थाउजेंड हां भाई और नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है थ्री लाख तो तीन लाख लाख दस हजार है क्या तो तीन लाख दस हजार ओ भाई तीन लाख दस हजार टोटल कितना हुआ तो पहले आप टैक्स निकालो टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे सबसे पहले आप टैक्स निकालो तो चलो मैं टेन फोर्टी पे टैक्स एक काम करता हूं मैं यहां पे टेन फोर्टी पे टैक्स निकालने जाता हूं इन द नोट नंबर वन और इसकी एज जो है वो कितनी एज है पहले वाले एग्जाम्पल में फोर्टी फाइव तो मैं बोलू ढाई का बेसिक एग्जाम मिलेगा तो मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं नोट लिखता हूं नोट नंबर और यहां पे मैं टैक्स टैक्स निकालता हूं ऑन टेन लैख फोर्टी थाउजेंड अब एक बात बताओ टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे टैक्स निकालेंगे तो अप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सार्थक डैश पे डैश और टू लेख फिफ्टी थाउजेंड से लेके और आपका फाइव लैख तक का इनकम होगा उस पर फाइव परसेंट कितना बारह हज़ार पाँच सौ फाइव लैख से लेके और आपका टेन लैख तक का जो इनकम होगा उस पर ट्वेंटी परसेंट डेट्स कम्स टू वन लैख और बेटा अगर टेन लैख से लेके और अप टू टेन लैख और फोर्टी थाउजेंड पे आपका थर्टी परसेंट टैक्स कितना बारह हज़ार टोटल करो कितना आया एक लाख चौबीस हजार तो बोले चलो एक लाख चौबीस हजार पांच सौ पहले ले लीजिए आप अब एक बात बताओ लेट वो लेटर पार्ट में ठीक है अब एक बात समझना रुक जा रुक जा एक लाख चौबीस हजार पांच सौ आपका टैक्स आया अब आप तो यहां पे बोलोगे कि सर ये तो गड़बड़ कर लिया आपने आपने एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगवा दिया ये तो फिर पहले दिन गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे और यहां पे आपने तो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर भी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो हम लेस करवाते हैं ना वापस गवर्नमेंट बोलती है कि अब आप एक काम करो बी पॉइंट में आप टैक्स निकाल दो आपकी जो बेसिक एग्जामेशन है ना उस बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम नेट एग्रीकल्चर इनकम मुझे बताओ बेसिक एग्जामिशन कितना ढाई लाख है तो ढाई लाख प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है तीन लाख दस हजार तो टोटल तो आपका कितना हो गया लाख तो बोलते टैक्स निकाल के आप माइनस कर दो तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे तो हमने टैक्स लिया ही नहीं तो एक बात बताओ अब मैं यहां पे नोट नंबर टू ले रहा हूं और नोट नंबर टू में मैं टैक्स निकाल रहा हूं टैक्स ऑन फाइव लैख सिक्सेंड अब चलो फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड पे जब आप टैक्स निकालते हो तो अपू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना टैक्स आया डैश पे डैश टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके और आपका फाइव लैख तक कितना टैक्स आया फाइव परसेंट बारह पांच सौ और बेटा फाइव लैख से लेके और आपका फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड तक कितना टैक्स आया ट्वेंटी परसेंट कितना आया बारह हजार तो टोटल कितना हुआ चौबीस हजार तो ये बोलते हैं चौबीस हजार पांच सौ को लेस कर दो तो बचा कितना अब बोलते हैं कि ये लाख जो बचाना, इस एक लाख में अब आपका सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगा दो सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम है वो आपकी फिफ्टी लैक्स से ज्यादा नहीं है लगेगा, या नहीं? लगेगा. तो ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन द रेट फोर परसेंट तो चार हजार आएगा कैलकुलेटर से भी सेम ही आएगा तो वन लैक फोर थाउजेंड है इनकम पे टैक्स लगा के नहीं लगा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा या नहीं लगा पहले तो आपको बोला था एग्रीकल्चर इनकम एग्जेमट एग्जेम टी है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे एक बात बताओ अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता तो आपका टैक्स साठ हजार आता एग्रीकल्चर इनकम के होने से आपका टैक्स है वो एक लाख चार हजार हुआ मीन्स अप्रोक्स सिक्सटी सॉरी फोर्टी फोर थाउजेंड के करीब टैक्स बढ़ गया अब मुझे बताओ कि क्यों टैक्स आया किस रीजन से आया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल के तो वापस लेस तो किया है ना यहां पे ऐसे क्यों आया क्यों आया हाँ क्यों क्यों आया हाँ देखो यहां इनडायरेक्टली टैक्स आया मतलब डायरेक्टली तो एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं आया इनडायरेक्टली टैक्स आया कब आया क्यों आया एक बात बताओ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ना होती तो मैं बताऊं आपको सेवन थर्टी पे टैक्स लगता तो सेवन थर्टी आपके कौन से वाले टैक्स ब्रैकेट में जाता एक तो पांच परसेंट और उसके बाद बीस परसेंट उसमें ही जाता अब तुम क्या कर रहे हो चालाकी करवा के तुम एग्रीकल्चर इनकम को एड करवाते हो तो तुम्हारी टोटल इनकम गई टेन लैख फोर्टी थाउजेंड तो यहां पे तुम पांच परसेंट के बाद बीस परसेंट वाले ब्रैकेट में भी आ गए और तीस परसेंट वाले ब्रैकेट में भी आ गए और लेस करवाते टाइम आप क्या लेस करवा रहे हो पता है कि बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो यहां पे तो नेट एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आ रहा है वो सिर्फ आपके पांच परसेंट ब्रैकेट में ही आ रहा है और थोड़ा बहुत बीस परसेंट वाले ब्रैकेट में जा रहा है लेकिन यहां जब इसको जब ऐड किया था तो ये तुम्हारे हायर ब्रैकेट मतलब तीस परसेंट तक चला गया था तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं चालाकी से थोड़ा सा टैक्स ले लेते हैं पहले तो ऐसा बोलते हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम है एक्म कर लो कोई टैक्स नहीं लगेगा टोटल इनकम में आएगा ही नहीं टैक्स नहीं लगेगा बट ये चालाक लोग बोलते हैं तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई कौन कौन सी अस एससी इंडिविजुअल एच इन्हीं को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है तो इन्हीं का तो स्लैब रेट बढ़वाना है

मान लो ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहां सेवन थर्टी की जगह वन थर्टी ही होती एक एग्जाम्पल ले रहा हूं वन थर्टी ही होती तो आप पहले टैक्स किस पे निकालते वन थर्टी प्लस थ्री टेन पे हा वन थर्टी प्लस थ्री टेन कितना होता कैलकुलेटर में करो हाँ और फोर फोर्टी पे स्लैब रेट से टैक्स कितना आता साढ़े नौ हजार हाँ? हाँ? साढ़े नौ हजार तो आप क्या करते टोटल इनकम वन थर्टी और आपकी एग्रीकल्चर इनकम थ्री टेन फोर फोर थर्टी हुआ कितना फोर थर्टी हुआ फोर फोर फौर पे कितना साढ़े नौ हजार और लेस करते टाइम क्या करते बेसिक एग्जामेशन प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम तो ये फाइव सिक्सटी तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से अगर चौबीस हजार पांच सौ लेस कर देते तो, तो यहां पे तो आप रिफंड ले लेते हमारा वापस दो रिफंड दो तो इसके लिए ये चालक है इन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट तभी लगेगा यह आपको तभी करना है जब तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है किससे ज्यादा है बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है मीन ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तभी आपको यह करने का है तो देखो मैंने बोला अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है पहला एस इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो पांच हजार से ज्यादा है और उसकी अदर इनकम मीन एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी वाली जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करने का टैक्स निकालते टाइम पहले अदर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर टैक्स निकालो और फिर उसमें से लेस करो बेसिक एग्जाम्शन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो तो जो भी बचेगा इतना आपको टैक्स है वो पे करना पड़ेगा अब एक बात बताओ अगर मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना वो मान लो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मेरी बहुत ज्यादा है है ठीक तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम होने से क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैं 30 में जा रहा हूं आप एक काम करिए इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए मैं अब जो करवा रहा हूं इसको कॉपी करिए एक बार इसको कॉपी करिए और इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है उसमें उसकी एज कितनी है सेवनटी फाइव है सेवनटी 70 years. एक बात बताओ अगर 70 सेवन से आप अगर कैलकुलेट करते ओ निकालते थ्री लैख का स्लैब रेट यूज करते तो यहाँ पे आप थ्री लैख का स्लैब रेट यूज करते और यहां पे उसके हिसाब से टैक्स आता और लेस करते बेसिक एग्जामिशन में 250 की जगह कितना लेते थ्री लैख कितना लेते थ्री लैख तो चलिए एक काम करिए इसके ऊपर तो यहां पे दे दीजिए एज इज फोर्टी फाइव ईयर्स राइट एज इज फोर्टी फाइव ईयर्स और उसके बाद दूसरा पार्ट भी आप करेंगे जिसमें एज लिखेंगे सेवेंटी ईयर्स कॉपी करना चालू करिए आप जो आपको बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी करना चालू करिए और फिर आप 70 ईयर्स लिखिए अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर इनकम कमाती है तो उसमें कुछ नहीं होगा उसकी पूरी एग्जेमट है क्योंकि कंपनी को ऐसे भी रेट का बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को ऐसे भी फ्लैट टैक्स लगता है पच्चीस परसेंट की रेट से कंपनी को हर्ष बाबू वो पचास लाख पे लगता है ना हा हाँ तो कंपनी बना के एग्रीकल्चर करो हाँ एग्रीकल्चर पूरा एग्जाम अरे मतलब मैं बोल रहा हूं आप अगर इंडिविजुअल किसान भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है और उसकी अदर इनकम लाख से ज्यादा नहीं है तो ऐसे भी एग्जाम कब करना है जब तेरी अदर इनकम ढाई लाख से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम पांच हजार से ज्यादा है तब तेरा एग्रीकल्चर इनकम से क्या होता है ना तेरा स्लैब बढ़ जाता है तो हायर स्लैब में चली जाती है और लेस करते टाइम हम लोअर स्लैब से लेस कर रहे हैं हिमांशु बोलता है ये तो चिटिंग कर रही है गवर्नमेंट बिना कहे हमसे कुछ ना कुछ टैक्स ले रही है यस ले रही है क्या करे अब ऐसा चुप चुप के ये लोग तो करते हैं जिससे पता ही ना चले आपको आपको लगे कि ऐसा ही एग्रीकल्चर इनकम है टेब देखो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया है ना? क्या हुआ इसलिए लोग चोरी करते हैं टैक्स की ऐसे सर अगर रिबेट देना है अगर पांच लाख तक ही टोटल इनकम होती तो रिबेट मिल जाता बट यहां टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा है ना बाबू ये टोटल इनकम सेवन थर्टी है अगर ये सेवन थर्टी की जगह यहां पे फाइव लैख ही होता तो जो भी आपका टैक्स आता है यहां पे, उस टैक्स में से रिबेट एटी सेवन लेस हो जाता अविनाश बोलो बेटा ऐसा जरूरी नहीं होता हाँ भाई हेलो 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 हा... हेलो 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 चेक 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 वन टू थ्री वन टू थ्री वहां पे बिजनेस के खर्चे हेलो हेलो Gracias. हाँ भाई वो सेवेंटी ईयर्स वाला खुद करो आप सेवेंटी ईयर्स वाला पार्ट बी करके आप खुद करिए मेरी चैट दिख रही है क्या नीलेष दिख रही है तुम्हारी चैट गौरव का आंसर भी आ गया नाइनटी सिक्स थाउ नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दूसरे वाले क्वेश्चन का गलत है हा? गलत है नेट टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हाँ वंश बोल रहा है कि सर मान लो एग्रीकल्चर इनकम डेढ़ लाख है और बेसिक एग्जामेशन ढाई लाख है मतलब अदर इनकम ढाई लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा ना वंश एक बात बता थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब अदर इनकम ढाई लाख से ज्यादा है तो ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो अदर इनकम है वो ढाई लाख से ज्यादा है तो ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा दूसरा आंसर आया नाइनटी टू थाउजेंड फाइव सिक्सटी क्वेश्चन मैं बता दूंगा बेटा आगे जहाँ पे आएगा वहाँ पे ठीक है अभी तू क्वेश्चन करिए जो बोला है वो एक और आंसर आया नाइनटी फाइव थाउजेंड सिक्स एटी नाइन्टी टू थाउजेंड नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू एक और आंसर आया नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हो गया ना जिन जिन के फाउंडेशन में तीन सौ प्लस वाले हो बोलो भाई आंसर तुम दो हाँ नाइन्टी टू थाउजेंड सब गलत बोलती है ये बंदी पता है और फिर इतना कॉन्फिडेंस से गलत बोलती है ना 93600 थ्री सिक्स हंड्रेड सही है फैजान भाई ने आंसर दिया नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फैजान भाई के आंसर सही आते हैं है, है? फैजान भाई कौन सी जगह से हो आप बताओ फैजान भाई कौन सी सिटी में रहने वाले हो आप हेलो फैजान भाई यस uh, पीपल by... yes, अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना <laughs> नहीं ग्रीन लीव्स भी बिकती है बिकती है उससे पहले भी बिकती है प्योर किए बिना भी बिकती है पूछ के आना आसाम में जाके एक बार हाँ भाई 93,600 सबका आंसर आया फैजान भाई को पूछा कहां से हो तो फैजान भाई बोलते हैं ग्रेट सिटी ऑफ पॉल्यूशन दिल्ली कोई बोल रहा है कि फ्रूट अगर सेल करते हैं आप, आप एप्पल खरीदते हो और एप्पल बेचते हो उनकी इनकम एग्रीकल्चर है या बिजनेस बिजनेस इट्स बिजनेस एग्रीकल्चर मतलब आप अगर सेव उगाते हो और बेचते हो तो एग्रीकल्चर है चलो आप लोगों का आंसर आ गया अब यार आंसर नहीं आया ना तो मैं क्या बताऊं मेरे को ना सच्ची गुस्सा आ रहा है फिर लोग गलत गलत आंसर करते हैं तीन बार आंसर करते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद लगता है अब सही है चलिए सही आंसर बता देते हैं अभी आपको तो देखो सही आंसर की जुगाड़ में अगर अपन बात करें सही आंसर क्या है तो बाबू सही आंसर बाबू नहीं बोलते सर बाबू तो बोल ही सकते हैं यार चलो तो आपने इसकी एज कितनी है एज सेवेंटी इयर्स तो सीनियर सिटीजन है तो पहले आपने टेन लैख फोर्टी थाउजेंड पे टैक्स निकाला तो अप टू थ्री लैख सार्थक डैश पे डैश थ्री लैख से लेके और फाइव लैख तक कितना टेन थाउजेंड हाँ तो टोटल कितना हुआ टेन वन लैख अरे सही तो है हाँ वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड सही है हाँ तो वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड आया दूसरा टैक्स ऑन बेसिक एग्जामेशन आपका थ्री लैख प्लस थ्री लैख टेन थाउजेंड तो आपका टोटल हुआ सिक्स लैख टेन थाउजेंड पे टैक्स निकालना है सिक्स लेख टेन थाउजेंड पे टैक्स निकालते टाइम आपका अप टू थ्री लैख डैश पे डैश डैश पे डैश उसके बाद थ्री लैख से लेके और फाइव लैख तक दस हजार और फाइव लैख से लेके और सिक्स लैख टेन थाउजेंड कितना होता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू थाउजेंड तो टोटल कितना हुआ थर्टी थर्टी टू थाउजेंड तो आप इसमें से थर्टी टू थाउजेंड को लेस कर दीजिए तो कितना बचा नाइन्टी थाउजेंड फोर परसेंट कितना आता है थ्री थाउजेंड सो नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज द करेक्ट आंसर नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज अ करेक्ट आंसर हाँ, बोलो मार्जिनल रिलीफ तब मिलती है जब आपके पास पचास लाख से ज्यादा सरचार्ज है तब सरचार्ज है तब मार्जिनल रिलीफ मिलती है चलो एक बात बताओ इनकम टैक्स में आपको क्या लगता है दो तरह की रिसिट होती है एक रेवेन्यू रिसिट और एक होती है कैपिटल रिसिट ऐसा अकाउंट में पड़ा कहीं पे रेवेन्यू रिसिट एंड एक कैपिटल रिसिट आपको क्या लगता है इनकम टैक्स में कौन सी रिसिट टैक्सेबल होती होगी रेवेन्यू कैपिटल या दोनों क्या कैपिटल रिसिट भी टैक्सेबल है कोई कंपनी ने शेयर इश्यू किया शेयर का पैसा मिला कंपनी ने आईपीओ निकाला शेयर का पैसा मिला ये तो कैपिटल रिसिट है क्या ये टैक्सेबल होगा क्या अगर कोई कंपनी है कंपनी ने शेयर इश्यू किया और शेयर का पैसा मिला तो क्या ये टैक्सेबल होगा क्या अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया लोन लिया वो पैसा कैपिटल है या रेवेन्यू है कैपिटल है तो क्या लोन लिया वो भी टैक्सेबल होगा क्या हाँ यस सर दो व्हाट यू फील क्या रेवेन्यू रिसीट ही टैक्सेबल होती होगी या कैपिटल रिसीट भी टैक्सेबल है देखो इनकम टैक्स में नॉर्मली रेवेन्यू रिसिट है वही टैक्सेबल है लेकिन कहीं पर कहीं पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि कैपिटल रिसिट टैक्सेबल है जैसे आपने असेट बेच दिया घर बेचा तो घर बेचने से जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिट है वो टैक्सेबल होगा या फिर आपके पास शेयर्स थे वो शेयर्स बेचे उसका जो पैसा मिला वो आपके लिए टैक्सेबल होगा तो इन सिंपल वर्ड में आपको यह बता दू कि अगर आप बात करोगे कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो अभी तक सिर्फ इतना दिमाग में रखो रेवेन्यू रिसिट तो हमेशा टैक्सेबल होती है कैपिटल रिसिट टैक्सेबल तभी होगी जब आपको स्पेसिफिकली दे रखा है स्पेसिफिकली लॉ में बोला है कि कैपिटल रिसिट टैक्सेबल होगी तो कैपिटल रिसिट टैक्सेबल है अदरवाइज कैपिटल रिसिट टैक्सेबल नहीं है जैसे आपने लोन ले लिया कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो टैक्सेबल नहीं है तो कैपिटल रिसिट नॉट टैक्सेबल रेवेन्यू रिसिट इज टैक्सेबल कैपिटल रिसिट टैक्सेबल होगा अगर स्पेसिफिकली लॉ में बोला हुआ है तो, तो चलिए आप एक काम करिए हेडिंग दीजिए एक दो लाइन छोड़ के ये एग्रीकल्चर इनकम वाला कॉन्सेप्ट यहां कंप्लीट हो जाता है हेडिंग दीजिए इनकम हेडिंग दीजिए इनकम हेडिंग दीजिए दो लाइन छोड़ने के बाद लिखिए इनकम हेडिंग दे दीजिए इनकम इनकम में नेक्स्ट लाइन में लिखिए रेवेन्यू रिसिट रेवेन्यू रिसिट रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू रिसिट में लिखिए डैश करके लिखिए इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम रेवेन्यू रिसिट इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ उसके बाद पॉइंट नंबर टू लिखिए कैपिटल रिसिट पॉइंट नंबर टू लिखिए कैपिटल रिसिट पॉइंट नंबर टू लिखिए कैपिटल रिसिट और उसमें डैश करके लिखिए लिखिए नॉर्मली कैपिटल रिसिट नॉर्मली कैपिटल रिसिट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम नॉर्मली कैपिटल रिसिट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज नॉट टैक्सेबल एंड इट इज

नेक्स्ट लाइन में लिखिए कैपिटल रिसिट्स आर ट्रीटेड एज इनकम कैपिटल रिसिट आर ट्रीटेड एज इनकम कैपिटल रिसिट आर ट्रीटेड एज इनकम इफ इट इज स्पेसिफिकली कैपिटल रिसिट आर ट्रीटेड एज इनकम इफ इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द लॉ If it is specifically provided in the law, if it is specifically provided in the law, provided in the law, full stop. Under the head capital gain, under the head, under the head, H E A D, under the head capital gain, under the head capital gain. Profit on transfer of capital asset under the head capital gain. Profit on transfer of capital asset under the head capital gain. Profit on transfer of capital asset. Profit on transfer of capital asset shall be treated as income. Shall be treated as income. एंड इट इज टैक्सेबल शेल बी ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज टैक्सेबल डन तो एक कैपिटल रिसिट रेवेन्यू अब एक बात बताओ आपको क्या लगता है इनकम जो टैक्सेबल होती होगी वो आपकी ग्रॉस रिसिट टैक्सेबल होती होगी या नेट इनकम टैक्सेबल होती होगी आपको क्या लगता है जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं या मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं मैं बात करता हूं मैं बिजनेस करता हूं मेरे को स्टूडेंट से फीस मिला फीस हुआ वो मान लो पंद्रह लाख है पंद्रह लाख मुझे स्टूडेंट से फीस मिला इसमें से मैंने कुछ खर्चे किए खर्चे में जैसे मेरा बुक का खर्चा हुआ बुक का खर्चा दो लाख रुपया हुआ उसके साथ साथ में मेरा जो है मान लो मेरे स्टाफ का सैलरी भी हुआ स्टाफ सैलरी वो तीन लाख रुपया हुआ उसके बाद में मेरा मान लो आपको पेनड्राइव का एक्सेस भी दिया हंड्रेड परसेंट बैकअप में तो टेक्नोलॉजी चार्जेस और हुआ तीन लाख रुपया अब मुझे एक बात बताओ मेरे पास में नेट जो इनकम बचा वो तो सेवन लाख है बट मेरा ग्रॉस रिसिट है वो पंद्रह लाख है मेरे हाथ में टैक्स किस पे भरना पड़ेगा सेवन लाख पे या फिफ्टीन लाख पे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कोई ऐसा बोलो नहीं नहीं आपको पंद्रह तो नॉर्मली मैं बोलू इनकम तो जैसे आप बिजनेस करते हो तो जब आप बिजनेस करते हो आपकी सेल होगा वो टर्नओवर होगा तो सेल थोड़ी इनकम बनेगा यार खर्चे निकालने के बाद जो नेट बनेगा वो आपका इनकम बनेगा ना तो एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट्स और नोट में पहला लिखिए एक लाइन छोड़ के लिखिए नोट्स और नोट में पहला लिखिए लिखिए इनकम मींस इनकम मींस इनकम मींस एम ई एन एस नेट रिसिट इनकम मींस नेट रिसिट ब्रैकेट में लिखिए ग्रॉस रिसिट माइनस ब्रैकेट में लिखिए ब्रैकेट में लिखिए ग्रॉस रिसेट माइनस एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग सच इनकम ग्रॉस रिसेट माइनस एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग सच इनकम ग्रॉस रिसिट माइनस एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग सच इनकम अब एक बात बताओ आपको क्या लगता है इनकम में अगर लॉटरी लग गई कैजुअल इनकम जिसको बोलते हैं कैजुअल कैजुअल इनकम मीन एकदम से हो गई इनकम आपको पता नहीं था कैजुअल होता है ना कैजुअल समझते हो आप क्या समझते हो कैजुअल में कैजुअल इनकम क्या तेरे से ज्यादा मैं समझता हूं मैं सिर्फ कैजुअल इनकम की बात कर रहा हूं ठीक है अब तो तू कुछ और सोच रहा है उसमें मेरी गलती नहीं है करके ठीक है कैजुअल इनकम मीन जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी ठीक है और इनकम हो गई जुअल इनकम तो कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल होगी या नहीं आपको क्या लगता है लॉटरी लग गई जैसे मान लो आपने टिकट खरीदा था ठीक है लगेगी नहीं लगे, एकदम इनकम हो गई तो क्या कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल है या नहीं है तो नोट नंबर टू लिखिए नोट नंबर टू लिखिए इनकम इंक्लूड कैजुअल इनकम ऑल्सो इनकम इंक्लूड कैजुअल इनकम ऑल्सो इनकम इंक्लूड

इलीगल मतलब जैसे मैं एक लेता हूं के, हाँ जैसे किडनैपिंग का इनकम करके ठीक है आपने मान लो किसी को किडनैप किया और किडनैप करके और उससे पैसा हथियार लिया किडनैपिंग का इनकम ये इलीगल है या फिर मान लो आप जो है वो ड्रग्स बेचते हो हाँ ड्रग्स पाउडर बेचते हो करके ठीक है पुड़िया बेचते हो तो अगर मान लो आप ड्रग्स बेचते हो इंडिया में ड्रग्स बेचना लीगल नहीं है अब ये बंदा जो है ये यहाँ प्रिस्टिज पॉइंट पे बच्चों को बुला बुला के और मान लो उनको ड्रग्स बेचता है कि इससे याद होता है करके इससे शाम को सात बजे तक आपका एकदम दिमाग जो है जगह पे रहता है कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है मान लो ऐसा करके और ये ड्रग्स बेचता है और इससे जो इनकम हुई तो क्या इन इनकम भी टैक्सेबल होगी या नहीं आपको क्या लगता है इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होगा अगर एक तो होता है लीगल इनकम और एक होता है गए जैसे आपका ऐसा स्मगलिंग का बिजनेस था आप है ना आप बंदूक स्मगल स्मगलिंग कर, करते थे कट्टे बेचते थे और पकड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला इधर आ पता चला उसमें तो इनकम हो रही है आपको तो क्या इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होगी या नहीं पूरा पैसा ले लेंगे वो लोग इलीगल इनकम का लॉस भी तो हो सकता है एक क्या हुआ पता है आपको क्या इलीगल इनकम टैक्सेबल है या नहीं राइट आंसर इज राइट आंसर इज इनकम टैक्स में इलीगल और लीगल के बारे में कुछ नहीं बया किया हुआ तो भले इल्लीगल हो या लीगल हो अगर वो इनकम है तो वो टैक्सेबल है भले आप इल्लीगल हो या लीगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इल्लीगल इनकम टैक्सेबल होती है अब एक बात समझना एक फनी सा पहले केस लो आया सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के केस लो में क्या हुआ पता है इल्लीगल बिजनेस का क्या इनकम टैक्सेबल होगा तो एक बंदे ने क्या किया इल्लीगल बिजनेस के लॉसेस बता दिए कैसे एक बंदा था जिसका नाम था डॉक्टर डॉक्टर टीए खुरेशी करके ठीक है टीए खुरेशी करके एक बंदे का नाम था टीए खुरेशी या खुरेशी करके के या क्यू आता है खुरेशी सो so, एक डॉक्टर टीए खुरेशी नाम से पता चलता है ये बंदा क्या था डॉक्टर तो डॉक्टर था तो ये दवाई बेचता था मतलब लोगों को देखता था और दवाई बेचता था क्रोसिन है और कॉम्बी है और वो ऐसी वाली दवाइयां बेचता था खांसी वगैरह का और साथ साथ में ये बंदे ने ड्रग्स बेचना भी चालू कर दिया साथ साथ में ये पुड़िया बेचता था अब यार तुम मान ही नहीं रहे तुमको लग रहा है सर मजाक कर रहे है, कर ठीक है नहीं साथ साथ में ये बेचता था और जब ये पुड़िया बेचता था तो एक दिन क्या हुआ वहां छापा मारा किसी ने पुलिस वालों ने और छापा मारा और छापा जब मारा छापा समझते हो ना रेड 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 हा रेड रेड छापा मारा चापा होता है चापा 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 जो मानना है मान लो रेड उड़ा ये, ये रहे ठीक है।, है ये मुझे बता रहे हैं रेड बोल दो ठीक है? <laughs> ऐसा हाथ भी ऐसा करते हैं, हाँ। <laughs> तो यहां पे लाइक like, पुलिस वालों ने वहां पे रेड मारी और उसमें क्या हुआ कि इसके पास जो पाउडर था वो जो पुड़िया थी वो पुड़िया वो जो पुड़िया मतलब जो नशे की जो दवाई थी नशा था ड्रग्स था वो ड्रग्स कॉन्फिस्केटेड कर लिया मैं जब्त करके लेके चले गए और वो नशा जो जब्त करके लेके गए वो मान लो पचास लाख का था अब ये डॉक्टर टी ए क्या बोलता है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस ही इल्लीगल है मैं बिजनेस ही इीगल कर रहा हूं मैं पुड़िया खरीदता खे, हूं पुड़िया बेचता हूं तो बेचता हूं वो सेल में आना चाहिए जो खरीदता हूँ पी तो तो स्टॉक का लॉस तो है।, है तो ये मुझे अलाउ होना चाहिए भाई दूसरा अगर मैं बिजनेस करूं तो उससे करवाना चाहिए मेरा लॉस ये और मैं बता दू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया डॉक्टर टी ए खुर्शी के पक्ष में ये आप सही बोल रहे हो करके ठीक है जब इल्लीगल बिजनेस की इनकम टैक्सेबल हो रही है तो इल्लीगल बिजनेस का जो लॉस है वो भी आपको अलाउ होना चाहिए तो नोट नंबर थर्ड लिख लो ना थर्टी नॉर्मल परसेंटेज लिखिए अगर दूसरा बिजनेस है और उससे कोई प्रॉफिट होता है और ये बिजनेस का लॉस तो आपस में सेट ऑफ होता है हमें टैक्स नहीं लगेगा ना सेट ऑफ कर दे लिखो इन इनकम टैक्स In income tax in income tax income is taxable whether it is legal income or illegal income whether it is legal income or illegal income वेदर इट इज लीगल इनकम और इन लीगल इनकम देखो ये डॉक्टर तो आपको लग रहा होगा मैं मैसे झूठ बोल रहा था करके ठीक है देखो डॉक्टर टी ए खुरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हाई कोर्ट हेल्ड दैट द लॉस अराइजिंग ऑन कॉन्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इज बिजनेस लॉ ये बंदा हेरोइन वगैरह बेचता था क्या बेचता था अब है ना मैं नहीं बोल रहा करके ठीक है मैं जो है मैं जो है ये हेरोइन हेरोइन मतलब एच ई -E, हेरोइन हेरोइन अब ये पूरा केस लो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना ये बहुत पुराना केस लो है देखो इसमें लिखा हुआ है 86 87 में बात हुई थी ये 86 87 में बात हुई थी और उस टाइम पे क्या हुआ यहां पे अगर आप देखोगे तीसरी चौथी लाइन उसमें क्या लिखा हुआ है पाउडर ड्रग्स ठीक है तो वो जो है बोला मेरा स्टॉक है मुझे अलाउ होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया तो कुल मिला के इलिगल बिजनेस है तो उसकी इनकम टैक्सेबल है तो उसके लॉस होते हैं वो भी अलाउ होते हैं अब एक काम करिए आपके पास अगर चार लाइन ही बची है तो अगले पेज पे लिखेंगे और अगर चार लाइन से ज्यादा बचा है तो उसी पेज पे लिखेंगे हेडिंग दीजिए डीम्ड इनकम हेडिंग दीजिए डीम्ड इनकम हेडिंग दीजिए डीम्ड इनकम ये डीम्ड इनकम का मतलब क्या होता है डीम डीम डीम्ड मतलब डीम्ड डीम्ड ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ डीम्ड इनकम जो है वो डीम्ड डीम्ड का मतलब क्या होता है डीम्ड का मतलब है नहीं लेकिन मान लेंगे जैसे मान लो क्लास में कोई बन, बच्चा है वो उसकी महिला मित्र से बात कर रहा है और हम लोग वहां पे जो आवाज निकालते हैं ऐसा बोलते हैं आवाज में एक चीज है कि उन दोनों के बीच में कुछ है नहीं ये आवाज में एक चीज है कि उन दोनों के बीच में कुछ है नहीं लेकिन हम मान लेंगे कॉल्ड डीम्ड डीम्ड तो deemed का इनकम का मतलब होता है जो एक्चुअल में आपको लगेगा कि यह इनकम नहीं है बट इसको हम इनकम मान लेंगे दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम और यह डीम्ड इनकम की एक एक सेक्शन अपन पढ़ेंगे और सबसे पहली इसकी एक सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन सिक्सटी एट बोलो सेक्शन सिक्सटी एट सेक्शन सिक्सटी एट और सेक्शन सिक्सटी एट होती है कैश क्रेडिट क्या होती है कैश क्रेडिट चलो पहले मैं समझा देता हूं उसके बाद मैं लिखवा दूंगा पहले समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए आप बोलोगे ये कैश क्रेडिट क्या होता है तो कैश क्रेडिट क्या होता है बताए आपके अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में कोई अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ आपसे इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि ये कहां से आया है और आ, आ। पता नहीं भगवान जी आए होंगे देखे चले गए हमको पता नहीं कहां से आया तो अगर मान लो आपके पास में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ और आप ये बता नहीं पा रहे हो ये पैसा कहां से आया है जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था पहले लेक्चर में कि आपके पास में कोई पैसा आया बैंक में और आप बता ही नहीं पा रहे हो कि ये पैसा कहां से आया तो अगर असेसिंग ऑफिसर को आप बता नहीं पा रहे हो मीन आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे हो या फिर आप एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हो लेकिन वो एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है सेटिसफेक्ट्री नहीं है मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि भगवान जी सपने में आए थे वो बोल के गए थे कि बेटा मैं तुमको कुछ ना कुछ दूंगा और उन्होंने मुझे पैसा दे दिया अब आप एक्सप्लेनेशन तो दे रहे हो भाई ऐसा तो नहीं बोल सकता ना इनकम टैक्स वाले के, नहीं, नहीं तू तो बोल ही नहीं रहा चुप है मैं बोल तो रहा हूं कि भगवान जी आए थे भगवान जी बोल के गए थे कि मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगा उन्होंने बैंक में पैसा डाल दिया तो एक्सप्लेनेशन दे तो रहा है बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ना तो सेक्शन सिक्सटी ये बोलती है ये कैश क्रेडिट जो है ये आपकी इनकम माना जाएगा क्या माना जाएगा इनकम माना जाएगा क्या माना जाएगा इनकम एंड गाइज ये जो डीम्ड इनकम में अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये डीम्ड इनकम के केस में आपकी जो टैक्स रेट रहती है वो टैक्स रेट रहती है सिक्सटी परसेंट की और उसपे सरचार्ज लगता है ट्वेंटी फाइव परसेंट का और उसपे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है फोर परसेंट का सेवेंटी एट परसेंट की टैक्स रेट से टैक्स लगता है सेवेंटी एट परसेंट और सीए फाइनल में पढ़ेंगे कि पेनल्टी और लगती है बट अभी सेवेंटी एट परसेंट अब आप में से बहुत सारे खजूर लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सेवेंटी एट कैसे आया सर यहां पे तो सर साठ परसेंट प्लस पच्चीस तो एटी फाइव तो इधर ही हो गया और फोर एटी नाइन होना चाहिए ना यहां सेवेंटी एट कैसे है साठ का पच्चीस परसेंट और जो दोनों की टोटल आया पिचहत्तर पिचहत्तर का चार परसेंट तो ये आपका सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा अब एक बात समझना लास्ट ईयर इसमें एक और अमेंडमेंट किया और एक अमेंडमेंट क्या किया समझने की कोशिश करना इजीली आप समझ पाओगे हुआ क्या एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी एक बंदा है ये लो एक बंदा है मिस्टर बीबी थोड़े थोड़े बाल आए हैं ठीक है मिस्टर ओ मिस्टर बीबी हाँ एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है मिस्टर फैजान भाई मिस्टर फैजान भाई दूसरा बंदा कौन है फैजान भाई फैजान भाई का भी फोटो बना देते हैं यहाँ पे फैस्टा, फैजान भाई जो है ये बोल रहे है, मलिंगा लग रहा है करके ठीक है अरे मलिंगा लग रहा है तो क्या फर्क पड़ता है तुमको मलिंगा लगे या सनत जय लगे तुमको क्या करना है फैजान भाई अब एक बात समझना तुमको क्या करना है तुम फैजान भाई में इतने इंटरेस्टेड मत रहो कॉन्सेप्ट में रहो तो फैजान भाई और एक बंदा है मिस्टर बीबी अब हुआ क्या फैजान भाई ने मुझे लोन दिया फैजान भाई ने क्या दिया मुझे और लोन दिया पचास लाख का कितने का पचास लाख का बीबी को लोन दिया तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फैजान भाई पचास लाख और फैजान भाई कहां गए होंगे बैलेंस शीट में या पीएनडल में बैलेंस शीट में गए होंगे फैजान भाई तो फैजान भाई ये बोल रहा पानी में गए पानी में बह जाती है फैजान तो फैजान भाई है वो बैलेंस शीट में गए अब मुझे एक बात बताओ मेरे को इनकम टैक्स वालों ने बुलाया एक दिन और मुझे बोला कि भाई बीबी सर ये जो आपने पचास लाख अपने बैंक अकाउंट में आया है आपने बुक्स में भी एंट्री पास की है ये कहां से आया है तो मैंने कहा सर देखो मैं तो मैं कुछ पता नहीं मैं सर ईमानदार आदमी एक नंबर का और मैंने जो ये पैसा है ये फैजान भाई से लिया है तो क्या फैजान भाई से क्या लिया है मैंने कहा लोन लिया है सर उन्होंने दिया है मुझे लोन मैंने लिया है इनकम टैक्स वालों ने फैजान भाई को बुलाया फैजान भाई वाल को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने और फैजान भाई को बुला के इनकम टैक्स वालों ने फैजान भाई से पूछा कि फैजान भाई एक बात बताओ ये पचास लाख जो तुमने बीबी सर को लोन दिया है ये पैसा तुमने कहां से लाया था पैसा जो है ये कहां से लाया था मतलब यहां पे पहले मेरे को बुलाया मेरे से पूछा कहां से बोला फैजान भाई से लोन लिया मैंने तो बोला अच्छा फैजान भाई को बुलाया उठाया फैजान भाई को फैजान भाई को उठाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ फैजान भाई ये पचास लाख कहां से कमाया था तुमने <FUCK STM> फैजान भाई को पूछा कि ये पचास लाख रुपया जो है ये तुमने कहां से कमाया था यहां पे फैजान भाई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे फैजान भाई बोल रहे पता नहीं कहां से आया था पता नहीं मैं तो भूल गया पता नहीं भगवान जी देखे गए थे ठीक है मतलब फैजान भाई कुछ भी बोल रहे हैं पता नहीं अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया होगा ठीक है कुछ भी बोल रहे हैं और हम अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि तो डर नहीं है हाँ इधर देखो अब एक बात बताओ मैं बाकी कुछ नहीं बोल सकता मेरे को पढ़ाना है ठीक है हाँ तो इधर देखो सब लोग फैजान भाई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे जो दे ही नहीं पा रहे तो यहां लॉ में क्या लिखा बताए अगर फैजान भाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कि ये पचास लाख उन्होंने कहां से लाया था कहां से कमाया था तो ये माना जाएगा कि बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे ये माना जाएगा कि बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे और यह माना जाएगा कि बीबी सर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे तो यह पचास लाख रुपया जो है यह बीबी सर की इनकम मानी जाएगी यह क्या मानी जाएगी इनकम मानी जाएगी किसकी बीबी सर की ऐसा क्यों किया जैसे आजकल क्या होता था कि जैसे मान लो किसी गरीब को बेचारे को पकड़ लो उसका पेन नंबर अकाउंट खुलवा लो उसके बैंक में पचास लाख डाल दो और डाल के और फिर उससे लोन ले लो अब आपसे पूछा ये पैसा कहाँ से लाया बोला मैंने लोन लिया है भाई उससे अब उसको पकड़ के लाया बाबूजी हमको तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है करके हमारे साथ उसकी उसको तो पता ही नहीं उसके बैंक में ऐसा हुआ है तो भैया ये जो ये जो बंदा है इसने जो चीटिंग की है तो इसने अगर किसी से लोन लिया या बरोइंग लिया है तो इसमें बताना पड़ेगा कि ये आगे वाला ये बंदे का सोर्स क्या है अगर ये नहीं बता पाया तो यह माना जाएगा कि यह बीबी सर की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और बीबी सर के हाथ में यह डीम्ड इनकम मानी जाएगी और बीबी सर को इस पर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा अब आप बोलोगे क्या फैजान भाई भी सेवेंटी एट परसेंट टैक्स भरेंगे आंसर इज यस अगर उनकी औकात हुई और इनकम टैक्स ले पाया तो इधर सेवन एट परसेंट टैक्स इनको भी लगेगा क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है और इनको भी सेवेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा इनको जो है वो इनको भी सेवेंटी एट परसेंट है वो टैक्स लगेगा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉ में उसको बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब एक बात समझना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने कोई शेयर इशू किए और शेयर इशू किए और किसी रेजिडेंट पर्सन ने इसके शेयर सब्सक्राइब कर लिए कोई रेजिडेंट पर्सन है उसने उसके शेयर जो है वो शेयर है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी कंपनी ने क्या किया शेयर इशू किए और शेयर खरीदे एक बंदे ने जिसका नाम है मिस्टर रजनी गर्गे रजनी ने खरीदे और रजनी ने इस कंपनी में एक करोड़ रुपया लगाया हमारे पास एक करोड़ आया हमसे इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि एक करोड़ कहां से आया है तो हम बोल रहे हैं ये तो शेयर इशू किए थे तो उसका है तो बोला शेयर किसको इशू किए तो बोला रजनी को रजनी को उठाया इनकम टैक्स वालों ने रजनी को पूछा कि बाबू ये एक करोड़ कहां से लाया था ये जो एक करोड़ है ये कहां से लाया था रजनी बोलता है ठीक है रजनी क्या बोल रहा है, आ, पता है नहीं नहीं से आया था? तो रजनी बोल रहा है, नहीं है। और ये कंपनी के हाथ में एक करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा और बेटा इस कंपनी को इस पर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा तो देखो यहां पे तीन पॉइंट मैंने सिखाए पहला पॉइंट तो नॉर्मल कैश क्रेडिट कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई कहां से लाया है ये अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो आप बोलो या फिर आप दे पा रहे हो बट वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो जो भी क्रेडिट हुआ है वो आपकी इनकम माना जाएगा एंड इट इज टैक्सेबल अंडर आई में जाता है ये और सीधा 78 परसेंट से टैक्स लगेगा दूसरा क्या है कि अगर आपने किसी से लोन लिया और किसी से लोन लिया और वो आगे वाला पर्सन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है आगे वाला परसन बता ही नहीं पा रहा है कि उसने वो पैसा कहां से कमाया है कहां से लाया है तो ये माना जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है और वो आपके हाथ में सीधा इनकम मान लिया जाएगा या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने शेयर इशू किया है और शेयर का पैसा किसी से मिला है और जो शेयर होल्डर से शेयर का पैसा मिला है वो शेयर होल्डर की एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है कि उसने वो पैसा कहां से कमाया था तो ये माना जाएगा ये कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कंपनी के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा चलिए लिखिए सेक्शन सिक्सटी एट कैश क्रेडिट हां नॉर्मली फैजान भाई को तो बस उनके पास कुछ होता ही नहीं है वो कैसे होते हैं ना मार्केट में से डमी अगर ऐसा है तो दोनों का लगेगा अगर उनकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है उसको भी लगेगा और बीबी -बी सर को भी लगेगा सॉरी सौ परसेंट ज्यादा टैक्स लग गया हाँ लग गया लग गया क्योंकि आ, आ, आप आपका ये पैसा झोल का पैसा है कुल मिला के ये लोग क्या करते हैं झोल करते हैं झोल करते हैं किसी गरीब के नाम पर अकाउंट खोलवा दो उसमें पैसा डाल दो एक करोड़ फिर आप उससे लोन ले लो तो ऐसे पैसे घुमाते थे इसको बोलते राउंड ट्रिपिंग तो इसके लिए ऐसे प्रोविजन लाए हाँ, एक बार लिख लेते हैं लिखो हेडिंग दीजिए कैश क्रेडिट सेक्शन 68 लिखिए वेयर एनी अमाउंट वेयर एनी अमाउंट वेयर एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एस एस सी एनी अमाउंट वेयर एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एस एस सी where any amount is credited in the books of accounts of assessee and assessee not able to explain and assessee not able to explain not able to explain source and nature of such amount and assessee not able to explain source source and nature of such amount or explanation is not satisfactory or explanation is not satisfactory explanation is not satisfactory in the opinion of assessing officer assessing officer in the opinion of ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर की स्पेलिंग क्या लिखोगे एस एस -S ई -S एस -E एस आई assessing और ऑफिसर officer. ऑफिसर officer के साथ में ब्रैकेट में लिखना है तो आपको लिख लो इनकम ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ना उनको बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर ये इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं करो. Then it will be treated as, बी ट्रीटेड एज डीड इनकम ऑफ एस एससीन इट विल बी ट्रीटेड एज डीड इनकम ऑफ एस एससी तो आपने क्या लिखा एक बार लैंग्वेज को वापस मुझे बताइए क्या लिखा आपने देखो आपने लिखा के वेयर एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एस एससी एंड एस एस सी नॉट एबल टू एक्सप्लेन सोर्स एंड नेचर ऑफ सच अमाउंट एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फेक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ असैसिंग ऑफिसर देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम नेक्स्ट लाइन में लिखिए इफ एस एस सी हैजेक एनी लोन इफ एस एस सी इफ एस एस सी हैजेक एनी लोन ऑर बोरोइंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पर्सन from any person and if explanation about source and explanation about source and if explanation about source and nature explanation about source and nature is not satisfactory of that person is not satisfactory ऑफ दैट पर्सन दैट पर्सन के ब्रैकेट में लिखो गिवर जी आई वी आर ऑफ दैट पर्सन दैट इज गिवर देन सच लोन सच लोन इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम देन सच लोन ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम इन हेंड्स ऑफ एस एससी इन हेंड्स ऑफ एस एससी इन हैंड्स ऑफ एसेसी एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन लिखिए मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी टुक अ लोन ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख। मिस्टर बीबी टुक टी डब्ल्यू के टुक अ लोन ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख फ्रॉम फैजान भाई from faizan bhai and if and if faizan bhai explanation and if faizan bhai explanation about source and nature faizan bhai explanation about source and nature source and nature is not satisfactory is not satisfactory then it is assumed that then it is assumed that then it is assumed that mr bb's explanation then it is assumed that Mr. BB's explanation is not satisfactory. Mr. BB's explanation is not satisfactory and it is treated as income. And it is treated as income of Mr. BB. And it is treated as income of Mr. BB. नेक्स्ट लाइन में लिखिए एक लाइन छोड़ के सेम पॉइंट चल रहा है लिखो इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली सी एल ओ एस सी क्लोजली एल वाई क्लोजली हेल्ड कंपनी ब्रैकेट में लिखो प्राइवेट लिमिटेड इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी ब्रैकेट में लिखो प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड एनी अमाउंट रिसीव्ड एनी अमाउंट टूवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन रिसीव एनी अमाउंट टूवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन कौमा शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन कॉमा शेयर कैपिटल कमा शेयर प्रीमियम comma share premium from any resident person from any resident person from any resident person from any resident person and if such shareholder explanation and if such shareholder explanation and if such shareholder explanation is not satisfactory, shareholder explanation is not satisfactory about source and nature, about source and nature, then about source and nature, then it is assumed that then it is assumed that company's explanation then it is assumed that company's explanation is not satisfactory company's explanation is not satisfactory and it is treated as deemed income and it is treated as deemed income ट्रीटेड एस डीम्ड इनकम इन हेंड्स ऑफ कंपनी इन हैंड्स ऑफ कंपनी चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए लिखिए बीबी प्राइवेट लिमिटेड बीबी प्राइवेट लिमिटेड ईशुड शेयर्स टू मिस्टर आदित्य मिस्टर बी सॉरी बीबी प्राइवेट लिमिटेड ईशुड शेयर्स टू मिस्टर आदित्य ऑफ रुपज टू करोड़ आदित्य ऑफ रुपज टू करोड़ स्टॉप इन दिस केस इन दिस केस इफ आदित्य एक्सप्लेनेशन इन दिस केस if aditya's explanation if aditya's explanation is not satisfactory aditya's explanation is not satisfactory about source and nature about source and nature then it is treated as then it is treated as then it is treated as income of BB Private Limited then it is treated as income of BB Private Limited okay. देखो किसी ने बोला ऐसा पब्लिक कंपनी में क्यों नहीं होता प्राइवेट में ही क्यों है क्योंकि पब्लिक कंपनियां है ना उसको बहुत सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है और वो जो है वो जो शेयर इशू करते हैं वहां कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता ये प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता था कि क्या होता था कि इधर से व्हाइट का पैसा शेयर के फॉर्म में ले लो और उसको ब्लैक दे दो तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट होता था आगे जाके मैं ऑनलाइन वालों आपको बताऊंगा कि कैसे लोग ब्लैक का पैसा घुमा के व्हाइट करते थे व्हाइट का पैसा घुमा के ब्लैक करते थे इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में होता है जो लिस्टेड कंपनियां होती है उसमें नहीं होता जैसे रिलायंस वगैरह लिस्टेड कंपनियां है उसमें नहीं होता है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है प्राइवेट कंपनियां होती है उसमें ऐसा होता है करके ठीक है हाँ रिलायंस का शेयर क्या बोल रहा है रिलायंस का रिलायंस का शेयर खरीदा पांच करोड़ में हाँ हाँ तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो उस बंदे के हाथ में पकड़ेंगे रिलायंस को नहीं पकड़ेंगे इसमें इसमें रिलायंस को नहीं पकड़ेंगे उस बंदे को पकड़ेंगे क्या फैजान भाई उसने गरीब बंदे का पैन कार्ड लेके उसने किया है आ, तो मैं वही बोल रहा हूँ इसीलिए तो बीबी को पकड़ा जा रहा है यहाँ पे फैजान भाई गरीब है मान लो यहां बीबी को पकड़ा है ना इसीलिए तो बोला कि आपने किसी से लोन लिया या कुछ बोरोइंग और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो और वो भी नहीं दे आप तो बोल रहे हो कि उसने दिया है अब वो नहीं दे पा रहा है वो घुमा रहा है तो ये माना जाएगा ये आपकी इनकम है और आपके हाथ में टैक्सेबल होगा सॉरी देखो यहां पे लगेगा मेनली ये सेक्शन बोलती है कि यहां पे टैक्स लगेगा आपका डाउट ये रहेगा कि फैजान भाई के हाथ में भी तो क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इनका भी तो ये क्रेडिट है इनके हाथ में भी तो लग सकता है देखो इनके हाथ में भी लग सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बट यहां लॉ में इसके हाथ में लगेगा वो बोला हुआ है इसके हाथ में भी लग सकता है इसके हाथ में ऐसा भी हो सकता है दोनों के हाथ में लगे क्या लग सकता आंसर है आंसर इस क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो आप सोचो ना आपके पास पैसा आ रहा है बता ही नहीं पा रहे हो कहां से आया है तो तो गलत है ना हाँ तो जेन्युन लोन है तो दिक्कत ही नहीं है भाई लोन आपने जेनुअन लिया है बट ये बंदे ने पैसा कहां से लाया था वो बताना पड़ेगा आपको उसकी गलती है कैसे तुम ऐसे किसी से लोन ले लोगे? तुमको दे देगा कोई लोन ऐसे ही लोन दे देगा दे कोई तुमको अरे रिलेटिव तो रिलेटिव को पूछो कहां से लाया था अंकल जी चलो अब है ना इस पे और ज्यादा मेरी बात सुनो प्लीज हाँ बोलो क्या फैजान ने लोन दिया बीबी को तो ये लोन वापस लेने का राइट है या नहीं ऐसा बोल रही हो हाँ तो हम लोन पे टैक्स नहीं ले रहे ना हम कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लेते बट जब स्पेसिफिकली दे रखा है कि कि ये 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 बता नहीं पा रहा कि ये पैसा कहां से लाया था भाई बता ना ये कहां से लाया था तूने अगर तू उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री दे नहीं पा रहा है उस पर टैक्स ही नहीं भरा तो फिर इसके हाथ में ये टैक्स लगेगा चलो अब है ना प्लीज हाँ प्लीज आई विल नॉट टेक हाँ हाँ बोलो सॉरी <laughs> नहीं देर इज नो कैश क्रेडिट लिमिट आपके बैंक में भाई इसमें क्या होता है कैश क्रेडिट में कोई लिमिट नहीं है आपके बैंक में कोई भी क्रेडिट हुआ भाई एक लाख का हुआ तो भी आपका माना जाएगा आप बोल सकते हो किसी से गिफ्ट मिला है पर आपको बताना पड़ेगा किससे मिला है और गिफ्ट में भी कैसा होता है गिफ्ट में भी कैसा होता है कि गिफ्ट के केस में अरे भाई प्लीज कितनी आवाज आ रही है गिफ्ट के केस में आपका एक डाउट यह हो सकता है कि गिफ्ट किसी को दिया तो क्या गिफ्ट पे टैक्स लगता है का? पचास हजार से ज्यादा पे लगता है पचास हजार का गिफ्ट है टैक्स नहीं लगता पचास हजार से ज्यादा का गिफ्ट है टैक्स लगता है अब वो क्यों लगता है क्या लगता है वो अपन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करके ठीक है चलिए अब यह सेक्शन सिक्सटी थी अब सेक्शन लिखिए सिक्सटी सेक्शन सिक्सटी लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इसमें लिखिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वैभव लिखिए एक बार अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट लिखिए if in any previous year if in any previous year if in any previous year ssc made investment if in any previous year ssc made investment and which are not recorded in books of account and which are not recorded in books of accounts and which are not recorded in books of accounts and assesses explanation and assesses explanation is not satisfactory and assesses explanation is not satisfactory about the source and nature and assessee's explanation is not satisfactory about the source and nature then it is treated as deemed income of assessee then it is treated as deemed income of assessee then it is treated as डीम्ड इनकम ऑफ एस एससी अब बाबू ये क्या हुआ इधर देखो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा नाम क्या बेटा मयूर ना हाँ तो जैसे मान लो एक हमारा बंदा है जिसका नाम है मिस्टर मयूर क्या नाम है मयूर अब मयूर जो है इसका पूरे साल का सैलरी है पूरे साल का मिला के मान लो तीन लाख रुपया तीन लाख रुपया एग्जाम्पल है तो महीने का पच्चीस हजार रुपया पूरे साल का मिला के तीन लाख सैलरी है मयूर का अब मयूर का सैलरी तीन लाख है अब मयूर ने इस साल क्या किया बताया तुमको इस साल मयूर ने एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए शेयर्स खरीद लिए मान लो पच्चीस लाख रुपए के पच्चीस लाख का इन्वेस्टमेंट किया ये रिलायंस में इसके साथ साथ इसने एक दुबई में घर और खरीदा है दो करोड़ रुपए का दो करोड़ रुपए का घर खरीदा कहां पे दुबई में दुबई में घर खरीदा दो करोड़ का रिलायंस के शेयर खरीदे पच्चीस लाख के आपको पता है जो भी आप करते हो ना सब डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है आज की डेट में सीए फाइनल में ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको एसएफटी बोला जाता है दैट इज आपके जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना सब जगह आधार और पैन कार्ड लिंक है आप कुछ भी करोगे लिंक लिंक क्यों करा रहे हैं पता है तुमको जिससे कि उनको सब पता चल सके कि तुम कर क्या रहे हो करके ठीक है आज की डेट में जिसके कि उनको पता चल जाएगा तुम कर क्या रहे हो मतलब ऐसे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कि भाई जहां पे सो रहे हो पैन कार्ड दूर रखो वैसा नहीं ये बोल रहे है? ये बोल रहे हम तो रूम पे रहेंगे तो पैन कार्ड को दूर रखेंगे पता नहीं उनको पता चल जाए क्या कर रहे हो करके ठीक है वैसा नहीं मतलब जितने आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना हर चीज डिपार्टमेंट के पास जाती है आपके कितने बैंक में अकाउंट है कौन से बैंक से क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कौन सी कंपनी के आपने शेयर खरीदे हर डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने आप जाती है तो डिपार्टमेंट ने देखा कि मयूर जो है वो मयूर का सैलरी बेचारे का तीन लाख है इसने कोई टैक्स वैक्स भरा ही नहीं बट मयूर के पैन कार्ड पे पता चला कि उसने तो रिलायंस के शेयर खरीदे 25 लाख के 25 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है पता चला दुबई में एक फ्लैट खरीदा है 2 करोड़ का तो कम से कम 2 करोड़ 25 लाख की इनकम तो होनी चाहिए मयूर को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने बोला बाबू ये कहां से लाया बोला ये बाबू ये तूने जो इन्वेस्ट किया है ये एक तो तूने बताया नहीं कहीं पे ये तो हमने ढूंढ के निकाला है तूने तेरे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया हमको पता चला है ये कहां से लाया पैसा पैसा ये 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 वाला ये वाला ये इन्वेस्टमेंट किया है तूने इस एक्सप्लेनेशन दे कहां से लाया तो बोले भगवान जी ने दिया है अब आपकी एक्सप्लेनेशन यहां सेफेक्ट्री नहीं है तो लॉ मेकर्स क्या बोलते है बताए कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया जिसको आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में और डिपार्टमेंट को पता चल जाता है और इसकी पूछा जाता है कि भाई पैसा लाया कहां से था इनकम कहां से कमाई थी बता तीन लाख है, 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 तो है तो बोला ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना ये हम तेरी डीम्ड इनकम मान लेंगे और इस पर सेवेंटी टैक्स लगेगा कितना सेवन की रेट से टैक्स लगेगा ये सेक्शन है सिक्सटी तो 69 में क्या लिखा हुआ है आपने क्या आप पढ़िए एक बार इसको रीड करिए करिएफ एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड द इन्वेस्टमेंट इन विच नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट असेसी एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री अबाउट द सोर्स एंड नेचर ऑफ दैट फंड देन इट इज ट्रीटेड एज द डीम्ड इनकम ऑफ द एस अब एक और चीज समझना आप लोग यहां पे ये सेक्शन 69 है ऐसी की ऐसी एक और सेक्शन है सेक्शन सिक्सटी नाइन ए करके लिखिए एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूं सेक्शन सिक्सटी नाइन ए लिखिए अनएक्सप्लेन मनी अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन मनी लिखिए अनएक्सप्लेन मनी इसमें लिखिए लिखिए इफ इन एनी प्रीवियस ईयर If in any previous year the assessee is found to be owner, if in any previous year the assessee is found to be owner, owner of any money, owner of any money, comma, jewelry money comma jewelry comma bullion, b-u-l-l-i-o-n jewelry comma boolean b-u-l-l-i-o-n etc etc and same is not recorded in books of accounts and same is not recorded in books of accounts same is not recorded in books of accounts and assesses explanation and assesses explanation assesses explanation about source and nature assesses explanation about source and nature अब uh, क्या लिखा आपने? एसेसी एक्सप्लेनेशन अबाउट सोर्स एंड नेचर इज नॉट सेटिसफैक्टरी इज नॉट देन देन वैल्यू ऑफ सच अ सेट वैल्यू ऑफ सच अ सेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम देन वैल्यू ऑफ सच अ सेट शेल बी ट्रीटेड एज डी इनकम वैल्यू ऑफ सच अट शैल बी ट्रीटेड इनकम यह क्या हुआ पता है जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अपन किसी का एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम्पल बहुत ले रहे फैजान भाई फैजान भाई अपन यहां से पकड़ दे दो चार लोगों को आदर्श नहीं ऐसे पैसे भी तो बंदा भी तो पैसे वाला लगना चाहिए ठीक है बोलता बोलते आदर्श को ठीक है अब आदर्श पीछे बाल बांध के आया तुमको लगता ही नहीं पैसे वाला है बंदा हाँ आदर्श पानी भी पी रहा है चलो अपन एक काम करते किसी का एग्जाम्पल लेते तुम्हारा बेटा क्या नाम है जिया ओके सो so, जिया जो है वो जिया जो है जिया के घर पे है ना एक दिन इनकम टैक्स वाले आ गए इनकम टैक्स वाले आते हैं ना घर पे इनकम टैक्स की रेड हो गई तो इनकम टैक्स वाले आए तो इनकम टैक्स वाले ने आके जब भी इनकम टैक्स वाले आते हैं पता है आपको वो पूरा घर जो है कोई खबर नहीं मिलती भैया वो पूरा घर ऐसा चांद मारते हैं ये ऊपर जो पीओपी होती है ना ये सबसे पहले तोड़ते हैं आजकल आजकल ये क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको हटा के और इसके अंदर डाल देते हैं गोल्ड वोल्ड गोल्ड की जो बिस्किट वगैरह होती है वो इसके अंदर डाल देते हैं तो आजकल तो सबसे पहले पीओपी तोड़ते हैं वो लोग सोफे वगैरह है वो फाड़े जाते हैं करके ठीक है उसके अंदर क्योंकि सोफे के अंदर लोग नोट डाल देते दो दो हजार वाले तो रिया के घर पे जिया ओ जिया तो मिस जिया है इसके घर पे रेड हुई और जब रेड हुई तो इनकम टैक्स वालों को वहां पे एक तो पैसा मिला और पैसा मिला दो करोड़ रुपया कितना पैसा मिला दो करोड़ रुपया पैसा मिला मतलब भाई साहब दो करोड़ देख के इनकम टैक्स वाले पागल हो गए बोले ये है? दो करोड़ पैसा मिला, वहां पे बुलियन और मिला बुलियन का मतलब होता है जो गोल्ड की बिस्किट होती है ना बिस्किट समझते हो आप लोग जिसको हम लोग कैडबरी बोलते हैं जो लोग पैसे वाले रहेंगे उनको पता रहेगा हमारा काम तो बताना है तो जो गोल्ड की बिस्किट होती है उसको बोला जाता है कैडबरी या फिर उसको बोला जाता है बुलियन तो गोल्ड की बिस्किट सिल्वर की बिस्किट मिली वो एक करोड़ की टोटल मिला के पांच करोड़ रुपए का सामान मिला वहां पे पांच करोड़ का सामान मिला जिया को पूछा कि जिया ये कहां से आया कहां से आया जिया ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है ये क्या बोल रहा है जिया धड़क जाए धड़क धड़क <laughs> धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क, धड़क, जिया धड़क, धड़क जाए तो, हाँ क्या वंश मोर क्या मैं सारे गाँव में में आया हूँ वंश मोर हाँ ये बोलता है जिया जले जा जले नैनो ये जिया बोल रही है मेरा एग्जाम्पल क्यों ही लिया था <laughs> तो <laughs> चलिए हाँ हाँ चलो <laughs> बंदे है हमारे क्लास में संगीतकार एक से एक बंदा है ठीक है <laughs> तो जिया को पूछा कि ये पैसा कहां से लाया था <laughs> तो जिया बोलती है पैसा ज्वेलरी बुलियन चुपचाप बैठ गई पता नहीं हमारे वकील साहब जवाब देंगे ठीक है <laughs> ऐसा होता है ना मूवी वगैरह में आपने देखा होगा क्या बंदा चुप हो जाता है बोलता हमारे वकील साहब जवाब देंगे ठीक है वकील साहब को बोला तुम बताओ बोला <laughs> हमको तो हमको तो ये बोलती थी ये गरीब है <laughs> हमारा तो फीस ही नहीं दिया आज तक करके ठीक है तो यहाँ पे जिया से पूछा गया तो जिया इसकी एक्सप्लेनेशन दे नहीं, नहीं पा रही है तो जब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे तो मामा जी है ना रख के गए थे घर पे ठीक है मामा जी आए थे मामा जी मामा जी को बोला मामा जी बोलता मेरे को पता ही नहीं कि इतना पैसा है इसके पास तो मामा जी जो है वो भी घुमा रहे मतलब कुल मिला के आप घुमा रहे हो उनको तो उस केस में जितनी वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू को एज इट इज जिया की इनकम मान लिया जाएगा और इस पे जिया को 78 परसेंट टैक्स लगेगा कितना 78 परसेंट टैक्स लगेगा नहीं डेड फादर वो देखते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि डेड फादर मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप बोलोगे मेरे पर दादा रखे गए थे तो वो पर दादा के नोट दो हजार तो कहते तो नहीं थे उस टाइम पे एग्जाम्पल ज्वेलरी भी आपकी ज्वेलरी देखी जाती है कि ज्वेलरी कब बनी थी उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है वो सब देखते हैं कि भाई अगर आपके पास घर में कोई ज्वेलरी का बिस्किट मिला है वो कब बना था वो निकाल देंगे अगर वो सच में अगर मान लो तुम्हारे कोई कुंडल पड़े हैं पर पड़ दादा के तो वो छोड़ देंगे और उसमें भी एक लिमिट होती है एक होता है एक लिमिट होती है जब भी घर में आपको बताऊं इनकम टैक्स रेड होती है तो एक स्त्री धन करके नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट चलता है उसमें क्या होता है लड़की अगर मैरिड है तो उसके पास में पांच ग्राम तक का ज्वेलरी है वो हम छोड़ देते हैं वो उसको टच नहीं करते पांच ग्राम मतलब आधा किलो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो सकता है और अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए 250 ग्राम का लिमिट है क्या 250 ग्राम ज्वेलरी छोड़ देंगे और जो हमारे जैसे बेचारे आदमी लोग हैं, भले मैरिड है या अनमैरिड है हमारे लिए 150 ग्राम का ज्वेलरी छोड़ के जाएंगे तो इनकम टैक्स की जब भी रेड होती है तो मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम का ज्वेलरी छोड़ के जाते हैं अनमेरिड फीमेल के लिए 250 ग्राम और हमारे लिए हम भले मैरिड है या ना है 150 ग्राम हमारे लिए छोड़ के जाते हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको अनएक्सप्लेन मनी की बात कर रहा हूं कि अगर आपके घर पे कोई पैसा मिल गया कुछ ज्वेलरी मिल गई कोई बुलियन मिल गया आपसे पूछा गया ये कहां से लाया था आप बोल रहे ठीक है आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसकी वैल्यू एज इट इज आपकी इनकम मानी जाती है और 78 परसेंट टैक्स लग जाता है अब लिखिए नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 69 बी करके सेक्शन 69 बी और 69 बी में लिखो सेक्शन 69 बी में लिखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश अ सेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आपने हेडिंग दिया अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट यह क्या होता है आपने रिकॉर्ड तो किया है बुक्स में अपनी असेट या इन्वेस्टमेंट को बट पूरा नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बात बताओ आज की डेट में गोल्ड की रेट क्या है गोल्ड की रेट मार्केट में अप्रोक्स चल रही है सिक्सटी थाउजेंड और टेन ग्राम्स दस ग्राम का साठ हजार गोल्ड की रेट मार्केट में आजकल चल रही है मैंने क्या किया पता है? अगर दस ग्राम की साठ हजार रेट है तो एक किलो की कितनी होगी सिक्सटी लैख रुपीज सिक्सटी लैख्स रुपीज है वो एक किलो गोल्ड की रेट है तो एक किलो गोल्ड है वो साठ लाख में आएगा मैं क्या करता हूं मेरी बुक्स में मैं बोलता हूं मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है और मैं बोलता हूं मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है देखो लोग कैसे चेटिंग करते हैं मैं एंट्री पास करता हूं मैंने गोल्ड खरीदा और मैं बोलता हूं मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है मैं बोलता हूं गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक से मैंने पच्चीस लाख का पेमेंट किया अब एक बात बताओ कोई बोलता है कि गोल्ड तुमने बुक्स पूरा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, मैं बोलता हूं कि मैंने तो क्या किया कि यहां पे एक किलो गोल्ड जिसकी वैल्यू साठ लाख है मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है इनकम टैक्स वाले बोले कैसे खरीदा पच्चीस लाख में कुछ भी बोल रहा है कुछ भी फेंकने का ऐसे ही तो उन्होंने क्या किया कि जो उस असेट की वैल्यू है और जितनी आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है आपने बुक्स में रिकॉर्ड कम की है, जबकि उसकी वैल्यू साठ लाख है तो इसका जो डिफरेंस पैतीस लाख रहेगा ना ये आपकी इनकम मानी जाएगी और इस पर आपको सेवेंटी एट परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा तो इन सिंपल वर्ड अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट या असेट है उसको रिकॉर्ड पूरा नहीं किया है कम किया है करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंस रहेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा या जैसे मान लो जिया के घर पे मनी मिला दो करोड़ अब ओ भाई साहब गुड मॉर्निंग कहां पे ध्यान तुम्हारा जिया पे जिया जले जिया सॉरी मतलब मैं आज के बाद एग्जांपल ले लूंगा बस जिया बोलते है देखो सर बाहर आओ करके ठीक है <laughs> मैं मेरे भाई को बुला के रखा है ठीक है चलो इधर देखो जिया के घर पे दो करोड़ मिला और ये दो करोड़ जो मिला अब जिया बोलती है कि दो करोड़ मनी है अब जिया ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मनी बता रखा है कैश बता रखा है बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश है वो सिर्फ पचास लाख है तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि चलो पचास लाख बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता रखा है बट हमको तो दो करोड़ मिला है तो जो एक्सेस वाला 1.5 करोड़ है वो आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 69 बी करके तो 69 बी लिखिए जैसा मैं लिखवा तो लिखिए 69 बी इफ इन एनी प्रीवियस ईयर लिखिए इफ इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड इन्वेस्टमेंट इफ इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी ओनर ऑफ और फाउंड टू बी ओनर ऑफ असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी क्या लिखा आपने इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी और फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी असेट फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी असेट And if such investment or asset and if such investment or asset not fully recorded in books of accounts, not fully recorded in books of accounts, not fully recorded in books of accounts, and assesses explanation and assesses explanation assesses explanation is not satisfactory assesses explanation is not satisfactory then difference between value of difference between value of investment slash asset difference between value of investment slash asset and amount recorded in books of and amount recorded in books of account amount recorded in books of account is treated as deemed income of assessee is treated as deemed income ऑफ एस एस सी एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल लिखिए मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी फाउंड टू बी ओनर ऑफ वन के जी गोल्ड मिस्टर बीबी फाउंड टू बी ओनर ऑफ वन के जी गोल्ड ब्रैकेट में लिखिए मार्केट वैल्यू सिक्सटी लैख ब्रैकेट में लिखिए मार्केट वैल्यू सिक्सटी लैख ब्रैकेट क्लोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो आपने क्या लिखा मिस्टर बीबी फाउंड टू बी ओनर ऑफ वन के जी गोल्ड ब्रैकेट में लिखा मार्केट वैल्यू सिक्सटी लैख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बट ही हैज रिकॉर्डेड ओनली ट्वेंटी लैख But he has recorded only 20 lakh rupees for acquiring gold. But he has recorded only 20 lakh for acquiring gold of 1 kg. Of 1 kg. Full stop. In this case, assessing officer, in this case, assessing officer may treat. मे एम ए वाय मे ट्रीट रुपीज फोर्टी लाख रुपीज फोर्टी लाख एज डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर बी एज डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर बी मिस्टर बीबी ऑफ डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर बीबी बी इफ बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेफैक्टरी इफ बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिसफैक्टरी बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फेक्टरी नेक्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट सेक्शन लिखिए सिक्सटी नाइन सी सिक्सटी नाइन सी हेडिंग दीजिए अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर Unexplained एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर चलो अब किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं चुटकी तुम्हारा नाम क्या है खुशबू ऋतु आर आई यू रितु, रितु हा अब एक बात समझना अगर ऐसा डाउट है कि रेड हुआ ये सोफा फाड़ा था उसका खर्चा देंगे या नहीं देंगे वो फाइनल में आएगा हाँ एक बार लास्ट में पूछ लेना रह जाएगा नहीं तो हाँ चलो इधर देखो हम बात कर रहे हैं रितु की इधर देखो ओ भैया ऑनलाइन भाई साहब इधर देखो हाँ हाँ ऑनलाइन वालों को बोलते सब बोलते हैं फैजान भाई ठीक है फैजान भाई फेमस हो गए इधर देखो पूरे इंडिया में इस बैच का नाम ही लोग बोलेंगे फैजान भाई बैच ठीक है चलो इधर देखो अब हुआ क्या एक बंदी है जिसका नाम है ऋतु ये ऋतु 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 बोल दे चश्मा भी बनाओ यहां पे हम चलो ये ऋतु है अब क्या हुआ रितु की शादी हो रही है क्या हो रही है शादी शादी मिस मैरिज शादी मतलब मैरिज हो रही है स्वयंवर हो रहा है करके ठीक है अब एक बात समझना ऋतु की जब शादी हो रही है तो ऋतु का एक सपना था कि जो शादी हो बड़ी ग्रैंड शादी हो करके ठीक है लाइफ में एक बारी तो होती है ठीक है टिके ना टिके बट ग्रैंड शादी होने वाली है तो रितु की शादी हो रही है शादी में भाई साहब पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं पानी की तरह क्या बहाए जा रहे हैं पैसे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं और जैसे ही पैसे बहा रहे थे शादी में बहुत पैसे बहाए जा रहे हैं वहां पे मंडप डेकोरेटर बहुत बढ़िया है वहां पे मतलब भाई साहब अलग ही लेवल का डेकोरेशन हो रहा है एक एक थाली है उसका खर्चा पांच पांच हजार रुपए इतनी महंगी लोगों को खाना खिला रहे हैं पैसे ही पैसे ठीक है जोरदार शादी में मतलब जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो इतना मतलब वो कन्यादान में भाई साहब गोल्ड और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है इनकम टैक्स वालों को पता चल गया इनकम टैक्स वाले आए दीदी मोबाइल नहीं तो कैलकुलेटर पे क्या देख रही हो कैलकुलेट करने का तो कुछ था ही नहीं यहां पे भी हाँ शादी शादी का खर्चा तो जब इनकम टैक्स वालों को पता चला तो इनकम टैक्स वालों ने अपने रिलायबल सोर्सेस से सब खर्चा निकलवाया कि इन्होंने क्या क्या किया तो पता चला शादी में पांच हजार की थाली थी और कम से कम पांच सौ लोग आए थे तो पांच हजार की थाली पांच सौ लोग कितना हुआ हाँ पांच हजार की थाली मल्टीप्लाई बाय पांच सौ लोग पच्चीस लाख तो ये हो गया खर्चा फिर पता चला कि डेकोरेटर वाले से इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि भाई तूने मंडप वंडप का कितना लिया था बोलता था बीस लाख तो बीस लाख ठीक है फोर्टी फाइव लाख पता चला दामाद जी को इन्होंने गाड़ी भी दी है बीस लाख की दहेज में गाड़ी भी दी है सिक्सटी फाइव लाख रुपए उसके बाद पता चला कि वहां पे जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह वाला था डीजे वीजे भी था उसका पांच लाख रुपया है. उसके बाद पता चला कि इसको दहेज में और बीस लाख के गहने दिए ठीक है करके रितु को बीस लाख टोटल मिला के इनकम टैक्स वालों ने पूछा 90 आ गया रितु के पापा को पूछा कि अंकल जी एक बात बताओ आपने आज तक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है ठीक है ये नाइनटी लेख का खर्चा किया है पैसा कहां से लाया तो तो पापा बोलते हैं ये तो ऊपर वाले का दिया था ऊपर <laughs> वाले ने दिया था बेटी के लिए बेटी की विदाई पे खर्च कर लिया तो बोला ऐसा नहीं चलता आप बताओ ये पैसा लाया कहां से था तो पापा जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा तो किया है बट ये पैसा लाया कहां से था बोला तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी

और भाई सा तो पहले लॉ में क्या लिखा था पता है पहले लॉ में ऐसा हुआ करता था क्या शादियों में इनकम टैक्स वाले आ जाते थे फिर अमेंडमेंट कराया क्या यार शादी हमारा एक पवित्र बंधन का रिश्ता होने जा रहा है आप उसमें इनकम टैक्स वालों को लाओगे बाराती नहीं आएगी करके ठीक है तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया सीए फाइनल में हम ऐसा पढ़ाते हैं कि रेड वगैरह जब होती है ना तो शादी के टाइम पे कुछ नहीं होगा मतलब शादी फंक्शन सेरेमनी इवेंट जब तक वो पूरा नहीं होता जब तक वो चार लोग लेके ऋतु को उठ नहीं जाते क्या बोलते उसको क्या बोलते हो उसको हाँ जो भी जो भी आप समझ रहे हो ठीक है वो चार लोग लेके जब जाते हैं ना क्या बोलते विदाई डोली 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 हाँ डोली तो डोली में जब लेके नहीं जाते तब तक शादी मानी जाती है उसके बाद इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं तो जो भी आप खर्चा करते हो आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से लाया था नहीं बताया तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी 78 परसेंट टैक्स लगेगा लिखो 69c सी लिखो लिखो इन एनी प्रीवियस ईयर ये बोलता है विदाई एक बोलता है अर्थी ये भगवान लिखो इफ एनी इन एनी प्रीवियस ईयर in any previous year comma assessi incurred any expenditure assessee incurred any expenditure assessee incurred any expenditure and assessee's explanation and assessee's explanation assessee's explanation is not satisfactory is not satisfactory about the source of such expenditure, about the source of such expenditure, about the source of such expenditure, then such expenditure shall be, then such expenditure shall be treated as deemed income. then such expenditure shall be treated as deemed income of assessee deemed income of assessee full stop example लिखिए example लिखिए लिखिए मैं मेरा ही लिखवा लेता हूँ लिखो मिस्टर बीबी Mr. BB incurred one crore expenditure. Incurred. Mr. BB incurred one crore expenditure on the marriage of his son. On the marriage of his son. His son. Full stop. Full stop. If BB's explanation is not satisfactory, if BB's explanation is not satisfactory about source and nature of one crore, about source and nature of one crore, then amount of one crore, then amount of one crore.

बोरोड और रीपेड अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हु एच यू एनडीआई हुडी अमाउंट बोरोड हा अमा क्या होता है सोना जमीन में मिल जाता है अरे रुक तो जा अभी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी क्या होता है मैंने बताया नहीं अभी तो ये बोलते हैं कि खेत में घड़ा मिल गया भरा हुआ गहनों से ये सब मूवी में और किताबों में मिलता है आपके खेत में कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी इसमें लिखिए नेक्स्ट लाइन में इफ एनी अमाउंट इज बोरोड इफ एनी अमाउंट इज बोरोड इफ एनी अमाउंट इज बोरोड उ्रीन रीपेड ऑन हुडी इफ एनी अमाउंट इज बोरोड और रीपेड एनी अमाउंट इज बोरोड और रीपेड क्या लिखा ऑन हुडी इन कैश इन कैश इन कैश देन सच अमाउंट देन सच अमाउंट shall be treated as deemed income then such amount shall be treated as deemed income of SSC shall be treated as deemed income of SSC full stop if amount borrowed on hundi if amount borrowed on hundi is already treated as income if amount borrowed on hundi is already treated as income treated as income then at the time of repayment then at the time of repayment it will not be treated as income then एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम गाइस ये हुंडी क्या होता है पता आपको? हा? हुंडी हुंडी। आपने ये कहीं ना ये अभी नहीं होता है, ये बहुत पहले होता था 1800 सौ समथिंग में कुछ होता था आजकल ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता हुंडी का मतलब होता है ये भाई ये रुक जाओ कहा बंद करके जा रहे हो मैं भगा दूंगा मैं सच बता रहा हूं अभी छह मिनट बचा है मैं एक मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा छह मिनट से हुंडी का मतलब होता है प्रोमिजरी नोट आपने ऐसा पढ़ा कहीं फाउंडेशन वाउंडेशन इलेवन ट्वेल्व में प्रोमिजरी नोट कि जैसे मान लो ये बंदा है ये बंदा ये जो बंदा है इस बंदे ने मुझे ये हुंडी लिख के दी हुंडी ये मान लो हुंडी है ठीक है हुंडी मतलब एक प्रोमिजरी नोट है और इस पर इसने मुझे लिख के दिया कि मैं आपको आज से छह महीने बाद दस लाख देने वाला हूं यही होता है प्रोमिजरी नोट इसी को बोलते हैं तो इसने मुझे ये लिख के दिया है अब ये मेरे पास है बट अभी तो मैं इसको करा नहीं सकता ये तो छह महीने बाद पैसा आएगा तो मैं क्या करता हूं इसको कहीं पे गिरवी रख के और मैं कैश में लोन ले लेता हूं मैं इस प्रोमिजरी नोट को कहीं गिरवी रख के और मैं कैश में लोन लेता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया कैश में इस हुई को कहीं गिरवी रख के तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा ऐसा आजकल की लाइफ में नहीं होता है ये बहुत पहले होता था तो हुंडी को गिरवी रख के आपने कोई लोन ले लिया या फिर लोन लिया था वो तो चेक में लिया था बट पे करते टाइम आपने कैश में पे कर दिया तो कैश में नहीं करना है कुल मिला के आपने हुंडी को अगर कहीं गिरवी रख के बैंक से लोन लिया तो चलेगा बैंक से लोन रीपे किया तो चलेगा आपने कैश में अगर लोन लिया या कैश में रीपे किया तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा सेवेंटी एट परसेंट लास्ट एक लाइन लिखनी है सिर्फ लास्ट लिखिए ये जो सब इनकम है ये कौन सी सेक्शन में टैक्सेबल होती है तो सेक्शन वन वन फाइव बी ई करके लिखिए सेक्शन वन वन फाइव बी बी ई लिखिए अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम का मतलब सेक्शन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन ए बी सिक्सटी नाइन सी वेरी गुड बेटा वेरी गुड क्या नॉलेज है यार मेरे को तो पता ही नहीं था

प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन इफेक्टिव टैक्स रेट क्या रहेगा सेवेंटी एट परसेंट इफेक्टिव रेट रेट ये बोलता है कैदी हुंडी ये क्या होता है कैदी हुंडी सी ओ oh. गाना है वो तो कुड़ी है ना हुंडी थोड़ी है ओ भाई साहब ये लोग प्रो है प्रो चलिए तो आज अपना लेक्चर थोड़ा थियरेटिकल था अपन ने डीम्ड इनकम के बारे में जिक्र किया इतना आप रिवाइज करके आइए इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे थैंक्स लॉट पीपल दैट्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड बाय टेक केयर ऑनलाइन वालों बाय